साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट अशोक चौधरी। आज अपन बात करेंगे नए टॉपिक पे। मैंने एक वीडियो डाला था, पहले बहुत टाइम हो गया, शायद 3-4 महीने हो गए, मेडिकल, क्या मेडिकल अनफिट लोग विदेश जा सकते हैं। इस टॉपिक पे एक भाई ने कमेंट किया है। मैंने ये बताया था कि भाई क्या मेडिकल अनफिट जो बंदे होते हैं वो विदेश जा सकते हैं क्या, मैंने कुछ ऑप्शन दिए थे उसमें, तो इस भाई ने कमेंट किया है। इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे, इंटरेस्टिंग होने वाला है, ये आपके लिए भी फायदे का है। आपको वीडियो पूरा देखना ताकि आपको समझ में आ जाए कि नुकसान बंदे को कहाँ जाके होता है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर रोज इसी तरीके की सही जानकारी मोटिवेशनल वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये है SS साम्स, पता नहीं क्या नाम इस बंदे ने लिखा है। मिस गाइड मत करो, विजिट वीज़ा वाले को मेडिकल की क्या ज़रूरत है। इस बंदे ने बोला, आप ध्यान से देखिएगा क्या ज़रूरत है। और वर्क वीज़ा बिना मेडिकल फिटनेस जाना तो दूर, वीज़ा भी नहीं लगवा पाएगा। अपने दिमाग से अपने विचार मत दो, जो सही जानकारी हो उसको बताओ। हाँ, ये हो सकता है कि एक्सरे में अनफिट है, उसका ट्रीटमेंट करके दाग हट जाए तो UAE विजिट वीज़ा पे जाके विजिट टू वर्क वीज़ा ले सकता है, लेकिन ब्लड में कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ भी फिट नहीं होगा। और अधिक जानकारी के लिए बंदे के कॉन्टेक्ट नंबर, मेल आईडी दोनों ऑप्शन दिए गए हैं। अब यहाँ आके ये बात समझ में नहीं आती कि मेडिकल अनफिट वाले बंदे के बारे में मैंने कुछ चीज़ें बताई थी कि भाई इस तरीके से कुछ, मैंने ये इस वीडियो में बताया कि भाई कुछ शटडाउन के जॉब आते हैं जिसमें मेडिकल की ज़रूरत नहीं होती है। नॉर्मल कई कंपनियां मेडिकल उसमें करवा लेती हैं, वो अपनी संतुष्टि के लिए, कि बंदे को मेडिकल अक्सरी में प्रॉब्लम है उसी को अनफिट मानते हैं। कल को कोई लाइलाज बीमारी है, कैंसर है, या फिर और भी बहुत सारी बीमारियां, चर्म रोग है, वो वहां जाके शटडाउन में दिक्कत हो सकती है, तो वो 500-700 नॉर्मल मेडिकल होता है तो वो अपनी बिहाफ पे करा लेती हैं, बाकी मेडिकल की उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो विजिट वीज़ा में यहां से बंदे को लेके जाती है। ये बातें मैंने मेंशन करी थी, लेकिन इस बंदे को ये चीज़ें समझ में नहीं आई तो इस बंदे ने सजेशन दे दिया, ठीक है, कि विजिट वीज़ा में मेडिकल की ज़रूरत नहीं होती। तो भाई मैंने नहीं बताया इस में कि मेडिकल की जरूरत होती है। आगे बात करते हैं, अपने दिमाग से, भाई दिमाग तो जो विचार मेरे पास है वो तो मेरा काम है लोगों के साथ शेयर करना, ताकि लोगों को सच्चाई के साथ अवेयर मिल, उनको नॉलेज हो सके कि ऐसा नहीं, ऐसा होता है। मेडिकल अनफिट के नाम से भी लोगों से लोग पैसा ले लेते हैं, समझ गए। इस बंदे ने यह बताया है, जो बंदा मेडिकल अनफिट अक्सरे में हो गया है वो ट्रीटमेंट करा के दाग हट जाए तो वो विजिट वीजा लेके दुबई जा सकता है। ये इस बंदे का माइनस पॉइंट है। भाई LLB करके बैठे हैं, इतना नॉलेज तो हम भी रखते हैं कि बंदा अपनी कमी कहाँ छोड़ता है। इस बंदे ने साफ साफ मैसेज इसमें दे रखा है कि अगर बंदे को मेडिकल अनफिट है, दाग है, उसका इलाज करवा के आप दुबई आ जाएं। इसने सिर्फ पर्टिकुलर एक दुबई का नाम क्यों लिया, क्योंकि ये बंदा खुद दुबई में रहता है। अपने नंबर दे दिए, मेल आईडी दे दी, यानी जो आना चाहता है मेरे से कॉन्टेक्ट करें, मैं आपको बुला लूँगा। ये एजेंटी का काम करता है, समझ रहे हो बात। अब कुछ लोग क्या होते हैं कि इनको ये लगता, हाँ यार बंदे ने सही बताई, अपना काम तो ये करवाई देगा, तो इस वीडियो को मान ले 50-60 हज़ार लाख लोगों ने देखा, 5-10 लोग इनके कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं, मेल आईडी दे दी, कॉन्टेक्ट नंबर दे दिया, तो ये बोलता है कि दाग ठीक करवा के दुबई आ जाएं। क्यों आ जाएं भाई, दाग ठीक करवा के जाना है तो दुबई थोड़ी जाना, और भी बहुत सारी कंट्रियाँ हैं। दूसरी बात, एक्सरे में दाग हो जाता है ना तो वो 99% जाता नहीं है, वो रहता ही है, क्योंकि ये कोई बीमारी नहीं होती है, वो कोई ना कोई कमी की वजह से एक काला सा धब्बा हो जाता है, ब्लैक होल, जिसमें उसको मेडिकल जो गमका है वो नहीं मानती है, बंदे को अनफिट कर देती है, समझ गए। तो भाई ये जो अपना बिजनेस का दिमाग आपने लगाया है ना, ये अपने पास रखिए, लोगों को है ना बेवकूफ बना, आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो सही जो जानकारी है मेरे पास वो देने की कोशिश करता हूँ। तो आपने अगर, हाँ मैं मान लेता, आप अपने कॉन्टेक्ट नंबर, अपनी मेल आईडी नहीं छोड़ते तो मुझे समझ में आ जाती कि हो सकता है आपके जैसे भी दिमाग था आपने कमेंट किया, लेकिन आपने अधिक जानकारी के लिए आपके कॉन्टेक्ट नंबर दे दिया, आपने मेल आईडी दे दी। कोई फालतू आदमी दुबई में नहीं बैठा है जो 10 घंटे ड्यूटी, 2 घंटे का ट्रेवल, 12 घंटे ड्यूटी करके, और वीडियो पे नंबर छोड़ने का मतलब है कि हजारों की संख्या में लोग कॉल कर सकते हैं। आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप फ्री पॉकेट में लोगों को कॉल पे रिस्पॉन्स दोगे, आपका कहीं ना कहीं इसमें स्वार्थ छिपा है, तो ये स्वार्थ का थोड़ा सा ध्यान रखिए। मेरे माइंड में था कि इस पर मैं वीडियो बनाऊँ, इसलिए मैंने वीडियो बनाया, बाकी मैं कमेंट का आंसर पर वीडियो आजकल नहीं बनाता क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन है कमेंट वीडियो के लाइक। लेकिन इन चीज़ों से आप लोग अवेयरनेस रहे कि जो नीचे जाके एजेंट जैसे लोग होते हैं वो कमेंट करते रहते हैं कि
ऐसे नहीं ऐसे होता है, आपको ये लगता है कि हाँ यार ये बंदे सही बोल रहा है, तो आप उनके झांसे में आके उनके कॉन्टेक्ट में आ जाते हो। तो थोड़ा सा ध्यान रखें ऐसे लोगों का। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि हर रोज अच्छी अच्छी जानकारी आपको मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।